नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंसर्ट टैब के इक्वेशन सिंबल्स के बारे में। अब ये इक्वेशन सिंबल्स का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, मैं आज आपको वो क्लियर करने वाला हूं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आप देखेंगे हमारे सामने इक्वेशंस का है। इक्वेशंस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशंस यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसमें से हम कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद हम इसके फॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज करते हैं। होम टैब के अंदर जाकर के आप यहाँ से अपने फॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस फॉर्मेट को यहाँ पर इंक्रीज कर लिया है और उसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने ड्राइंग टूल का एक ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करके आप यहाँ से आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इक्वेशंस को हाईलाइट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो इसमें से कोई भी इक्वेशन का आप कलर यहाँ पर चूज कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अब इसके बाद आप देखेंगे जैसे हम इक्वेशंस पर क्लिक करेंगे तो एक और टूल बार हमारे सामने ओपन हो जाएगा इक्वेशंस टूल्स का। हम जैसे इक्वेशन टूल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशंस हैं। यहाँ से भी आप अपने इक्वेशंस को चेंज कर सकते हैं या फिर इसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने एक और ऑप्शन रिप्रेजेंट हो रहा है जिसका नाम है इंक इक्वेशन। इंक इक्वेशंस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने राइटिंग का एक ऑप्शन आ जाएगा। इस राइटिंग बॉक्स के अंदर हम जो भी चीज़ राइट करेंगे वो सिंबल हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको उसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पर सिंबल क्रिएट किया ये इस तरीके से, और जैसे हमने इस सिंबल को क्रिएट किया आप देखेंगे यहाँ पर हमारा सिंबल यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। इसको सिंपली क्लिक करके जैसे हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे हमारा यहाँ पर सिंबल इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद आप चेकबॉक्स पर डबल क्लिक करिए और यहाँ पर अगर आप कुछ लिखना चाहें तो अपने हिसाब से आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स अगर आप चाहें तो यहाँ पर इक्वेशंस के अंदर से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल अभी आपके सामने जो फॉर्मेट नज़र आ रहा है ये प्रोफेशनल फॉर्मेट है। जैसे आप लाइनर्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका लाइनर में आपका फॉर्मेट यहाँ पर शो अप हो चुका है। अगर आप इस लाइनर फॉर्मेट को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल टेक्स्ट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोस्टली हम लोग इसे प्रोफेशनल फॉर्मेट के अंदर ही रखते हैं और उसके बाद इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से आप इक्वेशंस एंड सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ और इंसर्ट करना चाहें या किसी और टेक्स्ट या सिंबल को इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ से आप देखेंगे आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स हैं। इसमें से कोई भी सिंबल आप इजीली यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई भी सिंबल यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने उस सिंबल पर क्लिक किया आप देखेंगे वो सिंबल हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे फंक्शंस, डिफरेंट टाइप के आपके सामने फंक्शंस हैं, आप फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कॉमन फंक्शन का यूज़ करेंगे, जैसे हमने कॉमन फंक्शन लिया यहाँ पर आप देखेंगे आपका कॉमन फंक्शन शो हो गया। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू देना चाहें तो आप इजीली यहाँ पर वैल्यू एडिट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप रेडिकल का यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ऑपरेशंस दिए गए हैं, ब्रैकेट्स दिए गए हैं, फंक्शंस दिए गए हैं, एसेंट्स दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप के आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आप कोई भी चीज़ इंसर्ट करके इक्वेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा इक्वेशन का पार्ट। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सिंबल पार्ट की। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सिंबल है। जैसे हम सिंबल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने डिफरेंट टाइप्स के सिंबल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। इसमें से कोई भी सिंबल आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कॉपीराइट का सिंबल सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसे इंसर्ट किया, आप देखेंगे यहाँ पर कॉपीराइट का सिंबल हमारे सामने इंसर्ट हो चुका है। अब इसके बाद अगर कोई और सिंबल इंसर्ट करना चाहे तो यहाँ पर जैसे आप पाउंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पाउंड को इंसर्ट करते ही आप देखेंगे आपके सामने पाउंड का सिंबल भी इंसर्ट हो चुका है। तो डिफरेंट टाइप के सिंबल्स आप यहाँ पर इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्पेशल कैरेक्टर का। इस पर जैसे हम सिंबल पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशल कैरेक्टर का हमारे सामने ऑप्शन आ गया। इसमें आप देखेंगे जितने भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उन सभी के नाम दिए हुए हैं, उनके सिंबल्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ से आप देख करके अगर आपको किसी चीज़ का नाम नहीं पता तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं और उसे इजिली यहाँ पर इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से आप सिंबल और इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था इक्वेशन एंड सिंबल का चैप्टर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।